रिवर्स साइकोलॉजी क्यों जरूरी है। मित्रों, मैं वैशाली हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, जो प्रबंधन में रिवर्स साइकोलॉजी की रणनीति के महत्व को उजागर करता है। इस पॉडकास्ट के लेखक हैं गिरीश बिल्लौरे मुकुल। महत्वपूर्ण पॉडकास्ट सुनने के पहले कृपया आप मिसफिट लाइफ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात से हर कोई सहमत हो जाए। संस्थाओं के संबंध में तो यह एक बहुत मुश्किल मुद्दा हो जाता है। अगर आप किसी संस्थान के हेड बनकर जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वह सारी शक्तियां होती हैं कि आप टास्क को पूरा कर लेंगे। परंतु आजकल इस मुद्दे पर चतुर से चतुर प्रबंधकों को भी कठिनाई पेश आ रही है। औसत रूप से कोई भी व्यक्ति किसी आदेश को हूबहू मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता। इसका एक विकल्प है कि आप अपने संस्थान के प्रत्येक व्यक्ति से सामूहिक और पृथक पृथक रूप से वार्ता करते रहें। किसी भी प्रबंधन को अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले व्यक्ति को पढ़ा जावे। प्रबंधक के रूप में ज़रूरी है कि आप हर एक सहकर्मी कर्मचारी की पर्सनैलिटी को स्कैन कर लें। यह काम एक दिन में नहीं होगा। पर्सनैलिटी स्कैनिंग के लिए प्रबंधक के रूप में आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से आपको अधिकतम 15 दिन से एक महीने का समय लग सकता है। स्कैनिंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इसके लिए आपको बार बार कम्युनिकेशन, सहयोगी कर्मचारी की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखना होगा और फिर उस व्यक्ति की संस्थान के लिए उपयोगिता का निर्धारण करना ज़रूरी होगा। इस पहचान प्रोसेस के पूर्ण हो जाने के बाद आप कर्मठ निष्ठावान एवं कामचोर गुमराह करने वाले व्यक्ति को अलग अलग खंड में विभाजित कर लीजिए। लेकिन आपका व्यवहार इन सभी के प्रति एक सा होना चाहिए। किसी को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उनसे आप अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे ही आप कुर्सी संभालते हैं, सबसे पहले वह व्यक्ति आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता है। जो निहायत चुगलखोरी और दूसरों के विरुद्ध जहर उगलता है, उसे ऐसे व्यक्ति को आपके सुनिए उसके सामने अपनी राय रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप सभी को पहचान चुके होते हैं, तब आप रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग करके बेहतर काम निकलवा सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? रिवर्स साइकोलॉजी एक रणनीति है जिसका इस्तेमाल लोग अपने मनचाहे नतीजे पाने के लिए करते हैं। इसे हिंदी में विपरीत मानसिकता कहते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी की रणनीति के बारे में एडोनरो और होके रैमर ने बताया था, वैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में देखते थे। बच्चे अक्सर हर वह चीज करने की कोशिश करते हैं जो वर्जित है अथवा जिसके बारे में आप नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करते हैं। ठीक वैसे ही किसी संस्थान में अधीनस्थ कर्मचारी या सहयोगी कर्मचारी अथवा सीनियर ऑफिसर्स को पाएंगे जो कार्य के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति प्रारंभिक तौर पर सकारात्मक भाव रखता हूँ। नौकरी के 10 से 15 वर्ष बीत जाने के बाद मुझे भयंकर आपदाओं का सामना करना पड़ा। काम न करने वालों की एक लंबी फौज भ्रष्ट आचरण करने वाले अधिकारियों द्वारा कार्यों के प्रति नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना तथा सड़क छाप तथा कथित फर्जी पत्रकारों, स्वयंभू समाज सेवियों की अपेक्षाएं सर पर कथकली और भरतनाट्यम एक साथ कर रही थी। दूसरी ओर कुछ अधीनस्थ कर्मचारी दबाव पैदा करने के लिए कार्य के प्रति नकारात्मक वातावरण तैयार करते और कार्य पूर्ण न होने पर मुझे प्रताड़ना देते। अधिकारियों ने जीना दूभर कर दिया था। नौकरी की शुरुआत में घर के संस्कारों के कारण मैंने किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, परंतु उससे मुझे कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे अधीनस्थ कर्मचारियों से ज़्यादा उसका परिवार दिखता है। यह सोचकर कलम से कभी नुकसान नहीं किया। दूसरी ओर
पिछले 10 वर्षों में मुझे श्रेणी 4 से लेकर प्रथम श्रेणी अधिकारियों या उससे उच्च स्तर तक के अधिकारियों के साथ समन्वय करने का अवसर मिला, जहां मैंने भरपूर एवं प्रभावपूर्ण ढंग से रिवर्स साइकोलॉजी पर आधारित रणनीति पर काम किया। सकारात्मक परिणाम मिले। बेहतर मैन पावर मैनेजमेंट के लिए रिवर्स साइकोलॉजी रणनीति आज के दौर में ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में समुदाय भ्रमित और अपने कार्य को अपनात्व के भाव से करने की मानसिकता के साथ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह रणनीति सबसे कारगर साबित होती है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा, टिप्पणी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।